हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पाटन दरबार स्क्वायर, जो कि नेपाल में स्थित एक भव्य इमारत है और जो कि अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दुनिया भर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाटन दरबार स्क्वायर वैसे तो ललितपुर के अंतर्गत आता है। यह जगह काठमांडू से ज़्यादा दूर नहीं है और बागमती नदी के किनारे इस जगह पर राजा का महल बताया जाता है, जिसमें मल्ला राजा रहा करते थे। उन्हीं को इस महल के बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। कहते हैं कि इस दरबार स्क्वायर में चारों तरफ 50 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं और 136 महल बने हुए हैं और यहाँ पर आपको बिल्डिंगों में काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इस दरबार का पूरा डिज़ाइन है जो वो नेवार आर्किटेक्चर पर आधारित है और दरबार के सारे फर्श पर लाल ईंटें बिछाई गई हैं। काठमांडू के अंदर कुल मिलाकर इस तरह के 3 दरबार मौजूद हैं। इन स्क्वायर्स के अंदर आपको पुराने तरह के नेवारी रेजिडेंशियल हाउस भी मिलेंगे। 2015 में जब नेपाल में बहुत तीव्र भूकंप आया था, तब इस दरबार स्क्वायर को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी, जिसके बाद अभी तक इसकी मेंटेनेंस का काम चालू है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे इस पूरे दरबार स्क्वायर के अंदर आपको मुख्य 3 कोर्टयार्ड मिलेंगे, जिनका नाम है मूल चौक, सुंदरी चौक एंड केशव नारायण चौक, और जिसके साइड में आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव टेंपल्स भी दिखेंगे। ये दरबार स्क्वायर नेपाल की भव्य इमारतों में से एक है और वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत भी आती है, जहाँ बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी की गई है और बॉलीवुड की मूवीज़ में कुछ स्पेशल सॉन्ग्स के अंदर भी यह दरबार दिखाया गया है।